फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज के किचन में। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही हेल्दी सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज की जो मेरी सूप की रेसिपी है वो पालक सूप की है, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। पालक के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से एक फायदा जो है कॉमनली सभी कोई जानता है कि पालक में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, बट इसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन्स में इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन K1 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मिनरल्स में इसमें पोटेश, फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पालक जो है हार्ट डिजीज और कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। ये हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ब्लड प्रेशर लेवल को भी रेगुलेट करता है और इसका सेवन करने से हमारा स्किन भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने आपको इसके कुछ फायदे बताए। तो बेसिकली पालक जो होता है बहुत ही हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं, जिसमें से कुछ को मैंने आपको बताया है। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी हेल्दी पालक सूप की जो रेसिपी है वो बहुत टेस्टी है। टेस्टी होने के साथ साथ इजी भी है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो पालक के सूप यानी कि स्पिनिच सूप बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। हमें चाहिए पालक के पत्ते। यहाँ मैंने 150 ग्राम पालक के पत्तों को लिया हुआ है, इस तरह से रफली चॉप करके। आप यहाँ मैंने इसे अच्छे से साफ करके धो करके लिया हुआ है, आप इसे रफली चॉप करके ले लें। अदर इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए आधी छोटी चम्मच घसी हुई, यहाँ मैंने लिया हुआ अदरक आधी छोटी चम्मच हम लेंगे, इस तरह से कटा हुआ रफली चॉप किया हुआ लहसुन की कलियां, यहाँ पर मैंने 2 से 3 लहसुन कलियां को इस तरह से कट करके रफली ले लिया है। 2 बड़े चम्मच हम लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 इंच हम लेंगे दालचीनी के टुकड़े, 4 लेंगे हम लौंग, 1 लेंगे तेज पत्ता जिसे बे लीफ भी कहते हैं, 1/2 छोटी चम्मच हम लेंगे क्रश की हुई काली मिर्च, इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच हमें चाहिए बटर, इसकी जगह पे आप कुकिंग ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप सूप बना रहे हैं तो बटर का यूज करेंगे तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर और बहुत ही स्वादिष्ट इसका जो है टेस्ट आता है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं बटर का यूज कर रही हूँ। और 2 बड़े चम्मच हमें चाहिए फ्रेश क्रीम, इसकी जगह पे आप दूध का भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज ये पालक के सूप की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी पे ढेर सारे कमेंट करें। सो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। स्पिनिच सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम डीप पैन को गर्म कर लेंगे मीडियम हीट पे। अब इसमें ऐड करेंगे हम बटर, बटर को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे, ज्यादा से अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे ये अदरक और लहसुन और इसे हम 30 सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, प्याज, लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता, सबको एक साथ ऐड करेंगे और प्याज को हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है और इसे हम बीच बीच चलाते भी रहेंगे। जब हमारा प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसमें ऐड कर देंगे ये पालक, साथ में हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और इसे हम पका लेंगे जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए, ऐसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें से हम तेज पत्ते को निकाल देंगे तरह से और इसे हम 1 मिनट तक पका लेंगे इस साग को। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, इसे हम 1 से 1.5 मिनट ही पकाएंगे। इसे थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे, यहाँ मैं छोटे वाले ग्लास से 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 1 मिनट भूनने के बाद यहाँ मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है, इसमें हम 1 उबाल आने देंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को हाई पर रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा पालक में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे, इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तब सारे पानी को एक साथ डाल करके इसको ग्राइंड ना करें, थोड़ा थोड़ा इसके पानी को आप पहले छान लें, छानने के बाद ही ग्राइंड करें, तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे पहले। आप पानी की जगह पर वेजिटेबल स्टॉक का भी यूज कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ठंडा करने के बाद इसे हम पीस लेंगे। यहाँ मैंने पालक की प्यूरी बना ली है गैस ग्राइंडिंग जार में पीस करके, गैस को वापस से ऑन करेंगे इसी पैन में और सारे प्यूरी को इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। अब हम बचे हुए पालक के पानी को इसमें डाल करके जो बाकी जो चिपका हुआ है पालक वो निकाल लेंगे। आप मैं सूप की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं,
ये आपको पतला सूप पीना है या फिर गाढ़ा सूप अच्छा लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक ध्यान से ऐड करें क्योंकि हमने पहले भी नमक इसमें ऐड किया हुआ है। और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें पेपर। मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम एक उबाल आने देंगे। यहाँ पे हमारा उबाल आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच फ्रेश क्रीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको। इसमें अब हम 1 से 2 उबाल आने देंगे। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है अदरवाइज इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें इसमें 1 से 2 ही उबाल आने तक इसे पका लेना है। हाई फ्लेम पे रखेंगे फ्लेम को। पालक पर हमारा उबाल आना स्टार्ट हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच लेमन जूस। ये ऑप्शनल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पालक खाने की वजह से गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप उसमें लेमन जूस ऐड करेंगे तो गैस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और लीजिए दोस्तों हमारा गर्मा गर्म ये पालक सूप बनकर के तैयार है। आइए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों हमारे ये गर्मा गर्म पालक का सूप बनकर के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही डिलीशियस भी है और हेल्दी भी है। तो आप इस गर्मा गर्म सूप को घर पर जरूर ट्राई करें और आपकी रेसिपी कैसी बनी जरूर हमें बताएं। आप इसे जब भी सर्व करें तो गर्म गर्म सर्व करें और आप इसे बटर से गार्निश कर सकते हैं या फिर आप इसे क्रीम से भी गार्निश करके भी सर्व कर सकते हैं। ये पीने में बहुत ही टेस्टी है, बड़े बच्चों सभी को पसंद आता है, इसे घर पर जरूर बनाएं। पालक के हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो के पहले में ही। सो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपकी रेसिपी कैसी बनी कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए इस रेसिपी को एंजॉय करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।